औरंगजेब का शासन अच्छा था कि वर्तमान शासन अच्छा है सिस्टम के लिए और आदमी के लिए? एक मुसलमान खराब होगा, कह दोगे इस्लाम खराब। कि तुम जो कॉमन मैन को मारते हो, इससे बेहतर है जो कॉमन मैन का दुश्मन है उससे लड़ो। माँ के तीन बच्चे, एक लंगड़ा, एक डकैत, एक डॉक्टर। माँ तीनों का निर्माण करती है, प्यार करता है, तो भगवान कैसे बाइफर्केशन करने लगेगा? तो लोग भगवान गायल करते हैं। किसी से पूछिएगा तो कहेगा कि प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। अब भगवानों में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा तो फिर हम लोग कहेगा बच्चे भगवान बनाया हम लोग को, और हम लोग भगवान को बनाने में पूरे इंसानियत को मिटाए जा रहे हैं। ये संभव है इंसान भगवान को बनाए? नमस्कार, खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं पटना की जिस धरती पे मौजूद हूँ, हमारे साथ देश के बेहद एक बोल्ड पॉलिटिकल फेस मौजूद हैं। जिस जगह पे आज हम तमाम राजनीति की गलियारों की जो चर्चा होती है, उन चर्चाओं पर इस वक्त बातचीत करेंगे। देश बदलना है तो सरकारी तंत्र को जनता में भरोसा बनाना पड़ेगा। विकास करना है तो जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। धर्म नहीं, समाज को नजदीक से जानना और समझना होगा। जनता आज वोट नहीं देती, बिकती है। सिस्टम ही आम इंसान को बाहुली बनने पर मजबूर करता है। जाति, धर्म और भगवान के मायाजाल से युवाओं को बाहर आना होगा। ये तमाम शब्द बिहार के उस बाहुबली सांसद का है जो आज जनता को अपने दम पर देश बदलने का पूरा यकीन दिलाना चाह रहा है। वो कहता है कि जितना बड़ा जो धूर्त बनेगा उतनी बड़ी सत्ता हासिल करेगा। ई रेडियो के उप संपादक शिकेन शेखर ने बिहार के मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की। पप्पू ने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव सरीखे शीर्ष नेतृत्व को भी चैलेंज किया है और आरोप लगाया है कि वो धर्म और मार्केटिंग के बदले जनता के वोटों की लूट कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की 1998 में पूर्णिया में हुई हत्या के मामले में सीबीआई ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उनमें से एक नाम पप्पू यादव का भी था। इसके कुछ दिनों बाद पटना हाई कोर्ट ने पप्पू यादव को रिहा कर दिया था। अपनी आपराधिक छवि का ठीकरा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के सर फोड़ने वाले पप्पू यादव बताते हैं कि उन्हें सत्ता और जनता के बीच पीस कर कुख्यात बना दिया गया। लालू यादव को प्रेरणा स्रोत मानकर राजनीति में अवतरित हुए पप्पू यादव कब बाहुबली बन गए इसकी भनक उन्हें भी नहीं लगी, और अब तो खुमारी ऐसी कि वो इस दुनिया से भगवान को ही मिटाने की जिद कर बैठा है। भगवान आया कब धरती पर? जब से भगवान को पैदा किया गया तब से शोषण शुरू हो गया हिंदुस्तान में, और इस दुनिया में शोषण की परंपरा ही भगवान से शुरू हुई। अब मैं पिछले धर्म से शुरू हुआ, लगभग 12-15 घंटे में आज की बात आप कर रहे हो। एक सवाल यहाँ पे और सर, मेरा सवाल सीधा है भाई, नहीं मैं देख रहा हूँ लगातार, मेरा सीधा सवाल है ये 4 चीजों पर आप घूम रहे हो, मत घूमो। नहीं हम नहीं घूम रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं। नहीं अब आप एक मानना है कि हमारे जो कंट्री का जो वेव है आवा था वो ऋषि मुनियों का था। मेंटल फोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा था क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म मेरे साथ था, लेकिन जब मनुष्य के सभ्यताओं का विकास होता गया तो अध्यात्म जो है ना कर्म का रास्ता छोड़ता चला गया। हम प्रैक्टिकल नहीं हुए, हम स्पिरिचुअल ज्यादा हो गए, प्रैक्टिकल कम हो गए, और बाद में अध्यात्म के नाम पर धीरे धीरे राजा महाराजा जमींदार फिर पॉलिटिकल सिस्टम धर्म को का आवरण ओढ़ करके अध्यात्म को दरकिनार कर दिया, धर्म को इंसानियत से अलग कर दिया, हमारी संस्कृति अलग हो गई और धर्म में अध्यात्म का कोई संबंध ही नहीं रहा। तो एक तरफ तो अध्यात्म ने प्रैक्टिकल अप्रोच छोड़ दिया और धर्म ने अध्यात्म का रास्ता छोड़ दिया, तो नतीजा हुआ मेरा जो सबसे बड़ा ताकत था मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो ही हम कमजोर हो गए। हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक मत जो इस देश में पड़ा तो लोगों ने विवेक से नहीं दिया, आजादी के नाम पर कांग्रेस को दिया कि कांग्रेस आजादी की पहली कतार है। लंबे समय तक आजादी के नाम पर हमको वोट मिला, फिर इंदिरा जी को गोली लगी तो शहीद की उपाधि के साथ राजीव जी टूअर हो गए, राजीव जी शहीद हुए तो कांग्रेस टूअर हो गए, और नीचे से शुरू करते हैं। अभी गुजरात का चुनाव हुआ तो जिग्नेवेश पट्टेदार अल्पेश
नीच कह दिया गुजराती के बेटे को, पाकिस्तान मंदिर, दीपावली, ईद, बकरीद, बिजली नहीं है, कब्रिस्तान, शमशान, 370 कश्मीर, लाहौर चढ़ जाएंगे, 15 लाख रुपया, चटमंगनी तट बिहार, रोजगार, डीएनए, रेडियो, लैपटॉप, साइकिल, 6,000 से 9,000 मास्टर, एकल पद, हवा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, लिंगायत, भुंगायत, कम्मा, मराठी, बिहारी, गुजराती, बंगाली, मराठी, गुजराती, बिहारी को मारो भोट लो, अम्मा कैंटीन, इंदिरा कैंटीन, लव जिहाद, गंगा, गाय, गोरू, छिपकली, और जब बचा तो फिर एक व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा को बेचा। अभी एक चुनाव हुआ नागालैंड में, 40 करोड़ में एक विधायक जीते, 4,000 पर एक विधायक, मतलब 4 लाख रुपया पर एक वोट, 100 करोड़ रुपया पर, 60-70 करोड़ रुपया पर एक एमएलए गुजरात में चुनाव जीता। अभी कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ लिंगायत, बोंगायत, कम्मा, दलित, देवगोरा, नो डेवलपमेंट, नो विकास, जिन्ना, पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा, जिन्ना मेरी संस्कृति को तोड़ेगा। जिस व्यक्ति को हिस्ट्री का पता नहीं, जिसने कभी हिस्ट्री को जाना नहीं, ना हिस्ट्री को गढ़ा, जिन्ना के साथ मंत्रिमंडल में सावरकर थे, पाकिस्तान में जिन्ना मर गए, हिंदुस्तान में जिन्ना जिंदा है। अब हो सकता है मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में औरंगजेब और मुगल जिंदा हो जाए। आप हमेशा सांसद रहे और आज संस्थापक ही बन गए एक पार्टी के, परिवर्तन नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कौन जगह परिवर्तन, मतलब जरूरत आपको दिखी समाज में। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए थे, 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी बने, ठीक बात, आचार्य कृपलानी, सुचित्रा के बाद वाई फर्स्ट मैन, दो बार पहली बार है हिंदुस्तान में, ईमानदारी कुछ है नहीं। और आज कहीं ना कहीं आप ग्राउंड लेवल पे पार्टी भैया कुछ नहीं है, मकसद कुछ तो होगा, एक ही मकसद है जी, जिनको हिंदुस्तान के सिस्टम ने 70 सालों में परेशान किया है उसको मुस्कुराने का रास्ता दे, उसके लिए जीने का एक पथ ढूंढे, ठीक है, उसको बढ़ने का मौका मिले, यही से जुड़ा हुआ है। मैं देखा कि आप 12-15 घंटे में लगातार आप बिजी थे, मैं इसी बीच पूरे 24 घंटा में आपको बहुत रिसर्च किया, मैंने देखा जिन तमाम लोगों पे आप सवाल दाग रहे हैं, लगभग 50-60 ऐसे नेता है जिन्हें आप फॉलो करते हैं ट्विटर पे, और ये वही लोग हैं जिन पे आप सवाल दाग रहे हैं, ये मतलब क्या माना जाए सर, उन्हें फॉलो करना मतलब उन पे निगाहें रखना या फिर बाकी उनके आइडियोलॉजी को समर्थन करना? तो छोड़ो सब, देश का नाशक है जहर, यही लोग तो पैदा किया आरक्षण को जिंदा रखने का, यही लोग तो है, बीपी सिंह के समय था, तब से 17-17 साल 15 साल नीतीश कुमार सब तो थे ही, हमारा भी हमें तू नटवा, थोड़ा भी हमारा नटवा, तो खेल खत्म कर लेते। यादव जी ने हम बकरी के दूध पीकर के बराबर है। आपकी बयान को मैंने सुना, उसमें आपने कहा कि दरअसल सिस्टम जो है बाहुबल बना देती है लोगों को, और आज वो क्या बाहुबल की जरूरत है इस समाज में, इस देश में? आप याद करिए, मथुरा से वृंदावन गए थे कृष्ण, याद करिए भगत सिंह को अंग्रेजों ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, याद करिए। तो क्या उस बाहुबल से इस देश को सुधारा जा सकता है? इकबाल, बहुत आवश्यक। मुगल और औरंगजेब का शासन अच्छा था कि वर्तमान शासन अच्छा है, सिस्टम के लिए और आदमी के लिए, जरा बता दीजिए। हमारी मानसिकता गुलामी की थी, सिस्टम क्या था? इकबाल तो था, आज तो कोई इकबाल ही नहीं, जिसके घर जाओ ढुक जाओ। जिस देश में बलात्कार का भी जस्टिफिकेशन हिंदू मुसलमान के आधार पर, राजपूत जाधव के आधार पर, ब्राह्मण भूमिहार के आधार पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कौन जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया, जिस जात का हुआ वो जात रोड पर आए, जिस जात ने किया वो घर में रहे, सबसे पहले लोग पूछता है ये मर्डर किसका हुआ, किस जात ने किया, किस कौम ने किया,
मर्डर हुआ ये सवाल नहीं है, किस जात ने किया ये सवाल। आपका वेबसाइट पे आपका सेवक आपके द्वार, ये सेवक को लेने की क्या जरूरत आ गई, ये शब्द क्यों जरूरत पड़ी आपको? तो शुरू से सेवक है स्कूल लाइफ से, ये जो सेवा आश्रम है ये तो 88 से 89 से मेरे यहाँ चलता है, मेरे बाप दादा करते थे, गरीबों के यहाँ फ्री। अब तो जमीनें नहीं बचा, 100 बीघा बचा होगा 9000 से। लेकिन एक पॉपुलर है, एक पॉपुलर है जो कह देते प्रधान सेवक हूँ। नहीं, आपका टर्न प्रधान सेवक नहीं, मैं सेवक हूँ और वो सेवक उसके दरवाजे जाता है, उससे बात करता है। हिंदुस्तान के 70 सालों में एक किसी पॉलिटिशियन का नाम बताओ तो कभी किसी यूथ से, कभी गरीब से, किसी किसान से जाके पूछा हो कि आप जियोगे कैसे, आप मुस्कुराओगे कैसे? बिदर में, बुंदेलखंड में इतने हजारों किसान गरीब मर गए, नेता गया नेतागिरी किया, फिर 5 मर गया, फिर दूसरा नेता गया नेतागिरी किया, फिर 6 मर गया, रुका क्यों नहीं भाई? ये आज तक इंदिरा आवास, ये लगातार नरेगा को डेली हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, इसका मतलब गरीबी बढ़ती जा रही है। इसलिए तो हिंसा और अहिंसा, ये हिंसा का सबसे ज्यादा जन्मदाता कौन है? ये राजा महाराजा, ये जमींदार। एक्सप्लाइटेशन की सीमा किसने शुरू की? जहां शोषण शुरू हुआ हिंसा वहीं हुआ, और वही कह रहा अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। नेता लुटता भी है कहता अहिंसा, नेता जादव राजपूत भी करता है और मरवाता है कहता अहिंसा, नेता हिंदू मियां करके मुसलमान को काटता भी है कहता अहिंसा, हिंदू को काटता है कहता अहिंसा, नेता बैकवर्ड फॉरवर्ड करके गाली दे करके मरवाता है कहता अहिंसा, गाय के नाम पर दलितों को जुर्म करता है कहता अहिंसा, वोट सत्ता और पैसे के लिए सबसे ज्यादा कुकर्म करने वाला नेता, और वही कह रहा है नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, ये रास्ता नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग, ये अपने जीने के लिए यूथ में आने वाले समय में विद्रोही नेचर ना हो, इसके लिए ये हिंसा अहिंसा का चक्रव्यूह रास्ता रहता है, सबसे ज्यादा खतरनाक। ये प्रोफेसर डॉक्टर, डॉक्टर से बड़ा अहिंसा कौन है कि लाश के ढेर पर पैसा कमाता? ये प्रोफेसर डॉक्टर, आप जाओ सिलेबस, ये सिलेबस है, ये सिलेबस प्रोफेसर लोग कितने बेचते हैं पता? ये पहला सिलेबस बेचेगा पैसे वाले को, दूसरा बेचेगा जात वाले को, तीसरा देगा कॉमन में। ये हिंसा नहीं है, ये जस्टिस, इसमें जात पूछ के आप जस्टिस करोगे हिंसा नहीं है, जात पूछ के बलात्कार का वर्गीकरण करोगे हिंसा नहीं है, जात पूछ करके मर्डर का वर्गीकरण करोगे हिंसा नहीं है। और इस रेस में आने के लिए क्या मार्केटिंग ही एक जरिया है? भैया सूरदास को बोला खिचड़ी में घी दा दलिया तो कल के घर घरेला कहा? भैया हमको तो समझे में नहीं आता है, पहले एक ठो रेडियो सुनने के लिए 10 गांव के लोग जाते थे, एक ठो अखबार 15 दिन में जाता था तो 10 गांव के लोग अखबार का चित्री चित्री करके पढ़ता था, और डाक बाबू के लिए डाक बाबू को भगवान मानता था गांव के लोग, डाक बाबू आया डाक बाबू। अब 1 सेकंड में पूरी दुनिया में क्रांति हो रही है, सोशल मीडिया, निगेटिविटी ज्यादा, पॉजिटिवनेस कम। 10 सालों के अंदर आपको बम गोली चलाने की जरूरत नहीं है, ये सोशल मीडिया हर घर में लाश बिछा देगा, काफी है जुदगी और विद्रोही युद्ध, कोशिश करेंगे युद्ध हो लोगों से और सिस्टम मिलेगा। तो इकबाल क्या होता है, वो इन बेईमानों को, दलालों को, उन्मादियों को, बड़का बड़का मॉल बनाने वाले को पता चलेगा कि सिस्टम क्या हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। जब एक पप्पू के दरवाजे से हिंदुस्तान का एक आदमी लौट के नहीं जा सकता है, मेरी औकात 300 से 3 लाख रुपए की है, मैं मदद कर देता हूँ, मरने नहीं देता हूँ जितना मेरी क्षमता है। एक पप्पू, एक कोई आदमी कहता है कि मैं पप्पू यादव के यहाँ से फोन कर रहा हूँ, आपके यहाँ अमुक पेशेंट 1 लाख रुपया में बंधक है, उसको तुरंत छोड़ देता है, 40,000 रुपया ज्यादा ले लिए हैं, 20,000 रुपया तुरंत छोड़ देता है। जब एक पप्पू का इकबाल हो सकता है तो सिस्टम का इकबाल क्यों नहीं हो सकता? चलो ठीक है पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।